ये ऐसी हालात रहूगी पंजाब, कोई पंजाब कोई आऊगा? ऐसी सरकार बन गई जिन्हों कोई तजर्बा ही नहीं सरकार चलाउण दा, ना उन्होंने कोई फिक्र है ना परवाह है। तो इस करके जो जैसी हालात बन रही है, मैं अज हुणी शहर वाले नूं पुछ रहा सी, एक दहशत का माहौल है, गुंडागर्दी का माहौल है, गैंगस्टरां दा राज है। सही मायने ते गैंगस्टर ही सरकार चला रहे, अफसरां दा कोई कंट्रोल नहीं, पुलिस दा कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हुण गैंगस्टर डिसाइड करदे आ किहनूं मारना, किहनूं छड्डना है, कितों पैसे लेने है। मैं हुणी मोगे दे कई अपने चंगे रसूख बंदियां नूं मैं गल कीती, कहिंदे सारिआं नूं टैलीफोन आया, सारिआं तों किसे तों 5 लाख लै गए गैंगस्टर, किसे तों 10 लाख लै गए। आ कल्ले मोगे दी कहानी नहीं, हर शहर दी कहानी है, हर जिले दी कहानी है। ऐ 6 महीने दे अंदर अंदर ऐ जी हालात बन गए पंजाब दे कि रहना औखा इत्थे हो गया लोगों का। तो मैं तो देख रहा कि 4 साल किवें टपाउणगे लोग। सो कुछ ना कुछ तो लियाउणा ही करना ही पैना है सरकार नूं, नहीं तो 4 सालां च मैनूं लगता ऐ जा हालात बन जाण जिवें अफगानिस्तान तालिबान ने किया सी, वो जा हालात बन जाणा। बड़ा दुख मैनूं लगता है देख के, वो सूबा जिहड़ा साडे टाइम च आपां बहुत तरक्की ते लैके गए सी, अज किवें रुल गया। पिछले 5 साल कैप्टन ने बर्बाद करते, तो आ 5 साल इन्होंने बर्बाद करते, 10 साल जे किसी सूबे के बर्बाद हो जाए सूबा बहुत पिछे चले जाता है। सो मेरे को कोई शब्द नहीं कह दे, इहदा कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि 92 MLA इन्हां दे है, हुण 92 MLA सरकार भी नहीं बदल सकती। सो मैं तो आई बेनती करदा हां भगवंत मान नूं ते आम आदमी पार्टी नूं, तुहानूं बड़े लोगों ने प्यार नाल इन्ना वोटा दे के जिताया, घट तो घट इन्नी जिम्मेवारी तो संभाल लो।